अजमेर के अरुण अरोड़ा ने एक नवाचार करते हुए शुद्ध सब्जी उगाने के क्षेत्र में एक उदाहरण पेश किया है। अरुण ने बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के ही अपने घर की छत पर हाइड्रोपोनिक्स पद्धति से सब्जियां उगा दी है। आइए इस खबर में जानते हैं कि क्या है हाइड्रोपोनिक्स पद्धति और अरुण अरोड़ा का सब्जी उगाने का अनोखा मगर फायदेमंद सफर। कुछ अच्छा करने की चाहत और लगन हर मुश्किल काम को भी आसान बना देती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया अजमेर निवासी अरुण अरोड़ा ने। जिले के तोपदड़ा निवासी अरुण अरोड़ा ने घर की छत पर सब्जी फार्म विकसित कर नजीर बन गए हैं। अरुण के फार्म पर मैगी और ऑर्गेनिक सब्जियां दोनों है। इनमें कई सब्जी ऐसी भी है जो बाजार में नहीं मिलती। खास बात यह की छत पर सब्जी फार्म विकसित करने के लिए अरुण अरोड़ा ने किसी विशेषज्ञ से प्रशिक्षण नहीं लिया बल्कि इंटरनेट की सहायता से इजरायली पद्धति वाले हाइड्रोपोनिक्स पद्धति से छत पर फार्म खुद ही विकसित किया है। बता दें कि तोपदड़ा निवासी अरुण अरोड़ा अपने मकान की छत पर सब्जी उगा रहे हैं। खास बात यह कि सब्जियों को उगाने के लिए जमीन मिट्टी की जरूरत नहीं है। वहीं सब्जियों को पौधों को विकसित करने के लिए बहुत ही कम पानी का उपयोग किया जा सकता है। अरुण ने मकान की छत पर 30 फीट क्षेत्र में ये सब कुछ मुमकिन करके दिखाया है। साल भर पहले अरुण ने इंटरनेट पर इजरायली हाइड्रोपोनिक्स पद्धति के बारे में पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने छत पर सब्जी उगाने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए। अरुण ने इंटरनेट से हाइड्रोपोनिक्स पद्धति को सीखा, फिर सब्जी फार्म के लिए सभी आवश्यक चीजों को सिर्फ जुटाया ही नहीं बल्कि उनकी फिटिंग भी सर्वे की। ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक पे इसराइल की टेक्निक है, उस पर मैंने ये पूरा ये लगा रखा सेटअप। ये इसमें इसको पानी की खेती जलीय कृषि बोलते हैं। इसको सिर्फ पानी इसमें यूज़ होता है, पानी में सीधा न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं जो सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और उससे पौधे ग्रो करते हैं। इसमें आपने क्या क्या उगाया, किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था? इसमें मैंने लेटिस लगा रखा है, 3 तरह का, स्वीट बेसिल, पालक, भिंडी, टमाटर, मैंने सारी सब्जियाँ इसमें लगा रखी। पाइप वाला जो ये है यूनिट, इसके अंदर पत्तों वाली जो सब्जियां हैं वो बहुत आसानी से उगा सकते हैं। बाकी इसका जो दूसरा रूप आपने देखा, बाल्टी वाला, बकेट सिस्टम बोलते हैं उसको, बकेट में अपन बड़े पौधे, भिंडी, टमाटर, करेला, तोरी, लौकी, उसमें जो चाहे आप उगा सकते हैं। उसमें भी टेक्निक यही काम आती है, पानी चलता रहता है, पानी के अंदर ही न्यूट्रिएंट डाल के उससे वो करते हैं। इसमें क्या क्या यूज करा? पानी है बस, और उसमें कुछ नहीं है। पानी के साथ न्यूट्रिएंट इसके अंदर जो खाद की तरह जो लिक्विड फॉर्म में वो डाले जाते हैं वो डालते हैं, बस उसी से पूरा होता है। कितने मेहनत लगी थी इसे पहले? मेहनत सर पहले जब इसको पहली बार जब किया उसको करते करते मुझे अभी साल भर हो गया। साल भर से पूरी प्रैक्टिस इस पर कर रहा हूँ मैं। अब जाके रिजल्ट इसके 3-4 महीने से हम करीब करीब सारी सब्जियाँ घर की खा रहे हैं। पालक खूब खाया है, लेटेस आप देख रहे हैं कितना लगा हुआ है। लेटेस यहाँ पे पूरी आप ये देखिए फ्लावर शुरू हो गए और बीज आने शुरू हो गए इसके, तो बीज भी अब इकट्ठे कर रहे हैं हम। नेक्स्ट टाइम हमें बीज भी नहीं खरीदने पड़ेंगे, सब हमारे पास यहीं तैयार हो जाएंगे। क्या क्या आइटम है आपके पास? हाँ, इसमें सारे विदेशी हैं। ये लेटेस है 3 तरह का, इसमें ये ग्रीन लेटेस है, रेड लेट्यूस है, और अपना स्वीट बेसिल, इटालियन बेसिल लगा रखा है, और लाल शिमला मिर्ची, पीला शिमला मिर्ची है, ब्रोकली लगाया हुआ है इसमें मैंने। मार्केट में क्या मिलती है लेटेस? अगर आप बाजार जाएंगे तो 150-200 रुपये किलो के आसपास का है। यहाँ पहली बात तो मिलेगा नहीं सीधा आपको, और इस क्वालिटी का तो सवाल ही नहीं मिलेगा। टुकड़ों में बाहर से जो मंगवाते हैं ये लोग, बाहर से पीसेस में आता है ये, बिल्कुल साबुत फ्रेश पत्ते हैं सारे। यहाँ पर कितने दिन का बाहर से वो लोग जिस तरह से आप बोलेंगे तो बोलेंगे 1 दिन या 2 दिन में आपको मंगवा के देंगे, रेडी किसी के पास नहीं मिलेगा। लगभग आपका कितना खर्चा आया होगा इस? खर्चा तो अब एक्सपेरिमेंट्स में तो आपको मालूम है होता रहता है, चल ही रहा है अभी तो। अभी रोज कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो इसका कोई वो नहीं है। वो खर्चे को देख के नहीं किया, मेरे को ये था कि भाई कुछ एक अच्छी चीज़ शुरू करनी है यहाँ पे, तो उस हिसाब से पूरी तैयारी की। अजमेर शहर में एक हाँ, अजमेर शहर में बहुत नई चीज़ है, और अब जिस तरह से लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो अब ये अपने तक नहीं रखने का, आगे लोगों को भी देने की है मेरी ये तैयारी है इसकी, कि इस तरह के प्लांट बना के हम आगे जैसे किसी को भी चाहिए तो हम आगे उनको देंगे लगा के, और कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन करना है, वो भी ट्रेनिंग देंगे हम उसकी। क्या नाम है? मैं अरुण अरोड़ा।